सब उम्मीद है कि आप सब मेरे प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हसन भी तैयार हो चुका है। भाई का भी चैनल है ना, उसको भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। हैप्पी ज़ारा फैमिली के नाम से है ना। तो आप सबका भी साथ देना है। तो भाभी देखे आइए, भाभी तो बहुत ज्यादा बच्चे और सब खुश है क्योंकि आज हम लोगों ने आज मेरे जाना मस्जिद का काम कंप्लीट किया ना। तो अभी और अभी और जाना भाभी मिठाई वगैरह बनाएंगे, अबू जो है ना बाहर देख वाला जो है ना खाना बना रहा है, जो हम लोग छोटी सी दावत करते हैं। मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं जब ये काम ख़त्म करूँ ना तो घर में छोटी सी दावत कर दूँ, ताकि जो है ना अल्लाह ताला हमारे घर में भी रहमतें लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं, दूर बैठे हैं या इस मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, खुशियाँ दे। और आप सब बहन भाइयों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मैं आगे इसी तरह से काम करती रहूं और अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे आगे भी मैं मस्जिद का कहीं से भी मस्जिद कोई भी बनवानी पड़े तो मैं वो बनवाऊं। और जिस तरह से ये मस्जिद कंप्लीट कराई है ना, इसी तरह से वो भी बहुत प्यारी बने। तो इंशाल्लाह ये तो सरप्राइज़ है, जब आप लोग मस्जिद को देखेंगे ना तो मुझे पूरा पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आप लोगों ने आज कमेंट्स में सब ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है और मुझे बताना है कि मस्जिद किस तरह से बनी है। तो देखिए जी, आप ही की तरह आप ही आज बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ, आप ही बहुत खुश है। और ये नाक खड़ी हुई है नीचे, गिर गई है क्योंकि मेरी थोड़ी सी कल से तबीयत खराब है। हसन गिर जाएगी नीचे, नीचे मैंने। तो अभी दवाई वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ बैटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अपने बहन मिठाई के ना डब्बे भी ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए आली के जो है ना थोड़े से कल से गला खराब हुआ ना, एक साइड से सही हो गया, ऐसे एक साइड से सही हो गया और दूसरी साइड असद का काम चेक करो। मैं ये उठा लूं बस। नहीं नहीं आराम करो, उधर बच्चों को देने, आराम करो, बच्चों को बांटेंगे फिर कुछ, इधर भी रख लेना ना, आप घर में पड़ी होगी। ये आधी ले है ना, आधी 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 इधर ही देनी है। तो ये आधी मिठाई लेकर आए हैं इधर, इधर जो है ना हम लोगों ने आधी रख दिया है। तो पहले मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पर दुआ पढ़ेंगे, मौली साहब होंगे, अब्बू होंगे, भाई होंगे, तो बच्चे भी तैयारी करके बैठे हैं, वहाँ पर मिठाई बांटेंगे। और अभी चलते हैं बाहर और आप ही को देखे सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आपने जरूर बताना है कि ये आशा की पसंद का रंग है ना। और आप ही को मेरा जो है ना मस्जिद का जो है ना डिजाइन बहुत अच्छा लगा है ना। अभी बाद में शेयर कर दूं। हाँ शेयर कर दो, माशाल्लाह से। मैं क्या ये कहना था कि मैं अपने जो मेरी दादी ने बनाया मस्जिद मस्त बनाया। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ये क्यों रो रही है आज आदि में? चलो वो मिठाई सेट कर लो, अभी मिठाई सेट करो आप। तो मैं बाहर जो ना थोड़ा सा आप लोगों को, हाँ तो असर के अजान का वक्त होने वाला, तो पहले इंशाल्लाह आज अजान मस्जिद में जरूर होगी। इंशाल्लाह अबू जी बैठे हुए हैं, अबू जी तैयारी कर ली है? हाँ बिल्कुल तैयारी कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो तैयारी कर ली है अभी, ये चिकन भी डाला है इसमें, पहले चिकन डाल दिया इसमें, नहीं पहले अभी तैयार हो रही है, चिकन भी है, चावल भी हैं, ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार कर रहे हैं। नीचे आ गई है और इसे आप देंगे दम 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 आदम। हाँ अब इसका हम लोग दम दुरुद करेंगे। आपने इधर ना इसको मुकम्मल हिस्से बनाने हैं, उधर भी जाने हैं मस्जिद में, तो पहले मिठाई वहाँ पर तकसीम कर लेंगे, तो उधर भी जाएंगे हिस्से, इधर साथ जितने भी हम से हैं वहाँ पर पहुँचाने हर हाल में, इंशाल्लाह ठीक है ना। हाँ अबू जी जो है ना मिठाई के सेट कर रहे हैं और अभी लेकर जा रहे हैं, यहाँ बच्चों को देनी है सारी, बस काफ़ी है, हमारे बच्चे इतने खाते भी नहीं चलते। वो तीन डब्बे मिठाई के हैं, हो जाएंगे मौली साहब के हाथ में, वहाँ पर उधर मस्जिद में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद में तकसीम कर देना ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है
क्योंकि जिन लोगों ने ये मस्जिद का काम शुरू कराया और हमने किया, आज मुकम्मल हो गया है। और आज हम अपने इमाम जो हमारे गांव का इमाम है उसको भी बुलाया है, और भी हैं बड़े आदमी, वो भी आने वाले हैं, तो इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मिठाई है वो भी, बाकी भी बच्चों को हम बांटेंगे और अज़ान भी देंगे और नवाफिल भी अदा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं अबू जी पहले बाहर से सिर्फ मस्जिद का व्यू दिखा रहा हूँ प्यारे बहन भाइयों को, और ये मिस्त्री साहब हैं जिन्होंने अभी तक थोड़ी सी यानी कि बच गई है जगह, इसलिए बचाई है कि क्योंकि केला गीली हो जाएगी तो अंदर से अभी ये ख़त्म करके चले जाएंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको मस्जिद का विज़िट कराता हूँ। एक तो सामने सूरज है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है, यहाँ दूर से देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बहुत बहुत नज़र आती है कि माशाल्लाह से काम हुआ खड़ा है। तो ये है जी, हाँ सुभान अल्लाह, छोटे छोटे जो गुंबद बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है या अल्लाह, नीचे लिखा हुआ है या मोहम्मद। ये देखें, ये नसीब की बात है, जिन लोगों के नसीब में हो तो। ए बाबा जी की ना बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, बाबा जी हैं जो मस्जिद के मतलब इंशाल्लाह मस्जिद का ख्याल रखें। कादिम हैं और ये इंशाल्लाह इनके खुशी हुए बाबा जी, अल्लाह दे हुक्म ना। तो थोड़ा सा मैं अभी मस्जिद का विजिट कराता हूँ प्यारी व्यूअर्स, तो फिर आगे ये देखें यहाँ पर हमने फटी रखा है अल्लाहु मुहताल बवाब रहमतिक, तो नीचे सितारा मस्जिद इसका नाम रखा है, और ये नीचे आसिया फैमिली ब्लॉग सिस्टर की मदद से ये मस्जिद तैयार हुई। तो ये बाहर का व्यू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो पेंट मुकम्मल कराया है हमने, और अच्छा पेंट कराया है। पहले तकरीबन 3 कोट कराए इसको मस्जिद पेंट के। मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, तो ये जगह बची हुई है क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पर मस्जिद के इमाम आएंगे, इंशाल्लाह मिठाई तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना इसलिए ये जगह छोड़ दी है हमने ताकि ये जो है ना उसी इनके सीमेंट जो है ना पाँव को ना लगी। तो ये वजू खाने की जगह है, वजू वाशरूम माशाल्लाह से मुकम्मल कराया हमने अच्छे तरीके से, और इसमें दोनों यानी कि डबल अटैच दोनों को बनाया, वाशरूम भी और बाथ भी। तो इससे यह है कि एक तो पानी का जो है ना हमने इसका मुकम्मल अंडरग्राउंड कराया, इधर दीवारों से जा रहा है उधर, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, एक तो यहाँ पर तबलीगी जमातें आती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल हमने यहाँ पर जगह बनाई है। बाहर जो है ना पंप के बाहर हम अभी मिस्त्री यहीं पर हैं, तो ये बंद करके ऊपर से लगा देंगे। और ये मस्जिद का फ्रंट है बिल्कुल बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी वायरिंग करें, स्पीकर वगैरह आ चुके हैं, और ये मैं अजान के लिए सब कुछ तैयारी करें। और ये देखें छत देखें, और इसमें हर किस्म का अलग-अलग पेंट करा है दीवारों पर भी और इधर भी, और छत को देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तरीके से मेनटेन किया। तो ये दरवाज़ा आ गया इधर से, फिर अंदर से देखें बहुत ही प्यारा काम, और वायरिंग जो है ना यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन आज कंप्लीट हो जाएगी हर हाल में। और ये बाकी जो है ना नीचे सेना भी अब ये कच्चा है क्योंकि ताज़ा हुआ है, हाँ बहुत खूबसूरत काम किया है, बहुत ही खूबसूरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करते हैं, अदा करते हैं, जितना भी अदा करते हैं उतना भी कम है। तो ये अभी इंशाल्लाह असर की अजान पहली बार मस्जिद में दिलवाएंगे इंशाल्लाह। जो पर पेंट कराया अनिमल मुकम्मल, जितने भी मीनार थे इस पर अनिमल ही कराया, ये ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर छत फर्श लगवाया है, और बहुत ही नीचे तक जितने भी मस्जिद का काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ए वन काम करवाया इसका जितना भी था, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, ये जिस तरह था वैसे ही हमने तैयार करवाया। दिल
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم مسجد اللہ تبارک و تعالی دا مقدس گھر اللہ تبارک و تعالی دا اس دے وچ مسجد وچ اللہ تعالی دی خصوصی رحمت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو شخص مسجد بناوے اللہ تبارک و تعالی اس جنت گھر بنے تو جس بزرگاں نے دوستاں نے مسجد کو تیار کیتے مسجد کو بنائے اور مسجد نمازی مسجد ہمسائے محلے والے اللہ تعالی ان سب کو آباد فرماوے آمین مسجد واسطے جنہیں امداد کی تھی اتھوں یا دور کنو غیر علاقن وچوں تو اللہ تبارک و تعالی سب دا ہدیہ قبول و منظور فرماوے آمین اللہ تبارک و تعالی سارے دی لائے بیٹھن انہاں دی کوشش قبول فرماوے اور مسجد دی خدمت دی اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے مسجد کو اللہ تبارک و تعالی آباد و شاد فرماوے مسجد وچ نماز بھی ہے امامت بھی ہوندی پئی ماشاءاللہ بچے بھی قرآن پاک پڑھدے بن اللہ تبارک و تعالی سارے کو قرآن پاک پڑھن اور بچے کو پڑھاون توفیق عطا فرماوے مسجد کو جو آباد کی تنے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے گھروں کو آباد فرماوے اللہ تبارک و تعالی مسجد ذریعے جنہاں لوگوں نے خدمت کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قبر آخرت سونی بناوے اللہ تعالی اس بھرپور اجر عظیم عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال سب دا ہدیہ قبول و منظور فرماوے آمین ثم آمین و ما علینا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک و خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله تیرا پاک گھر اس کو آباد کر یا اللہ ان گھروں کو آباد فرما پورے محلے کو آباد فرما پورے چک بستی کو آباد فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما خصوصا بالخصوص مسجد کے معاونین مسجد خدمت گزاروں کی خیر فرما اللہ نے کام دے وچ حصہ کی دینے بار چڑھ کے اللہ تعالی اپنے حبیب دے صدقہ قبول فرما تمام مسلمانوں کو مزید نیکی کرن توفیق عطا فرما اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیوار لڈو او بھائی او آ بھائی دے آ بھائی این بندے نے بہت محنت کی تھی این بندے نے میں جرا نام لگا کھڑا دے بیچارہ پہلے ہی کھل دے سارے منڈا منڈا دے سارے سب منڈا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاری بار دعوت تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے آج پتہ ہے میں نے نا کافی تھک گئی ہوں پورا دن جو نا ہم لوگوں نے آج بھاگ دوڑ میں گزاری ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی دعوت جو ہے نا قبول کرے میں تو کہتی ہوں بھائی اسی میں ڈال دیتے ہیں ہاں اس میں ڈال دیں گے فل کر دے مجھے دے دے میں جا کر بستی میں دیکھ باہر کون آیا وہ کوئی دعوت لینے کے لیے آیا ہوگا کسی کہا تھا ہاں وہ بھی آ گیا ہے تو میں اس کو فائنل کرو اس کو بھرو میں جاؤں بستی میں دے کروں ہاں چلو میں اسے بھرتی ہوں آپ جاؤ لے کر آؤ برتن کام تو ایسے چلتا رہے گا اندھیرا ہونے والا ہے تو جلدی سے آپ جو ہے نا دعوت کو تقسیم کر لیتے ہیں بچوں نے جو ہے نا کچھ کھائے ہیں کچھ باہر گرا دیے کھانے اور سکلین
चलो तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद है तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली में और इसी तरह से आगे भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।